अपने घर परदेसियां वांगू परतण दा एहसास क्यों है। मैं संताली मगरों जम्मिया मेरे पिंडे लास क्यों है। शहर लाहौर च आके जे ननकाने भी मैं जा नहीं सकदा ता गल वकड़ी पाके मिलदा सतलुज नाल ब्यास क्यों है। इको फांसी इको गोली रहमत अली सराबा बिस्मिल आजादी तो मगरों साडा वखो वख इतिहास क्यों है। दिल्ली वर्गे चौंक चुरस्ते कार विहार बाजार भी होगी मिकना तीसी खिच दी शक्ति शहर लाहौर च खास क्यों है। बुल्ले शादा प्रेम प्याला बिना कसूरों पी नहीं सकदा हर वारी होठां ते आउंदी अजब तरह दी प्यास क्यों है। अस्सलाम वालेकुम जी एन प्यार परी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी और अज तुहानू लैके पहुंचे शाहपुर सिटी दे विच। शाहपुर कदी डिस्ट्रिक्ट हुंदी सी उस तो बाद सरगोदा बन गई ते इत्थे लखां दिलां दीआं धड़कणां जिहड़ियां ने इस जगह दे उत्ते मौजूद ने। कहिंदे ने भाई राम कृष्ण गुरमत स्कूल जिहड़ा है इह पिछे स्कूल जिहड़ा है इहदा असल नाम भाई राम सिंह गुरमत स्कूल है राम कृष्ण गुरमत स्कूल है और अज गौरमेंट हाई स्कूल जिहड़ा है वह कह लो तुसी कि शाहपुर सिटी दे विच है। अपनी पूरी दिख अपने पूरे अंदाज दे विच बाकी है। मेरे नाल अज साडे कोल मेहमान आए हुए ने तुहानू चलदे आ अगे ते जाके असीं तुहानू पूरा तारफ करवाने आ। पहले तुसी जरा एक बारी ओवरव्यू करो स्कूल दा देखो किड्डा सोहना स्कूल है किन्ना वधिया स्कूल है और इस स्कूल नू देखण वास्ते भाई साहब सत समुंदर पार दा सफ़र करके पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान लाहौर पहुँचण तो बाद आपां कोई 4.5 घंटे की ड्राइव करके अज आपां इस स्कूल दे विच पहुँचे हाँ। भाई राम कृष्ण गुरमत हाई स्कूल जिहड़ा सी इत्थों सरदार कहान सिंह जिहड़े ने चक 42 MB दे पड़ियार जिहड़े ने अपनी घोड़ी दे उत्ते ठीक है जी अपनी घोड़ी दे उत्ते आया करदे सन इस जगह दे उत्ते पढ़न वास्ते। तो गल करदे हाँ असीं चल के इस स्कूल दे हैडमास्टर साहब और भाई अरविंदर मल्होत्रा जी जो कि USA सैन डिएगो तो पहुँचे ने उन्हां दी की फीलिंग्स ने अपने नाना जी दे स्कूल दे बारे च। सो मेरे नाना जी सरदार कान सिंह सीगे उन्हां दा नाम ते उन्हां दे फादर दा नाम सी सरदार पिशोरा सिंह ते उन्हां दे फिर अगे नाना जी उन्हां दे अगे जिहड़े नाना जी सीगे सरदार दल सिंह सीगे इत्थे चक 42 दे विच ते फस्ट वर्ल्ड वार तो बाद उन्हां नूं 22 मुरबे जमीन अलॉट हुई सी इत्थे 550 एकड़ असी सुनते होंगे सी बचपन तो कि जेडे साडे नाना जी सीगे आ स्कूल दे विच अपने घरों की घोड़ी ते चढ़ के आंदे होंदे सीगे रोज़ उन्होंने घोड़ी ते चढ़ के आना असी सुनते 10 किलोमीटर के करीब का रस्ता होंदा सी एक पासे का ते सो अज अपनी अखां नाल ओह जगह देख रहे हैं जिथे कहानियां ही सुनते होंगे सी भी इत्थे साडे नाना जी पढ़दे सीगे। सो मैं बहुत देर तो इस चीज़ का इंतजार कर रहा है भी जाके ये जगह देखिए तो पता नहीं है कि नहीं है सानू नहीं सी पता जदों असीं अज आए हाँ बिल्कुल हाँ बट मैनू यह दसो कि तुसीं जिद्दां हुण तुहानूं इन्ना लगाव है पाकिस्तानी पंजाब की धरती दे नाल चाहे चढ़दा होवे चाहे लैंदा होवे पंजाब ते सांझा ही है माँ धरती ते सारयां दी सांझी है अज भी गल्लां बातां खाणा पीणा पहनावा जिहड़ा वो सारा दा सारा सेम है ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਆ ਸਕੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਸਾਡੇ 2007 ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ
तो सो बड़िया डिफरेंट इमोशनस ने, एक्साइटमेंट भी है तो यू नो मन में जिज्ञासा भी है भी जाके अपने पुरखों की जमीन पुरखों के जिते घर से जाके देख के आईए। 22 मुरबिया के थान के उत्ते ईस्ट पंजाब से जाके किन्नी जमीन पई नाना जी ने? मैनू एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं, बट उन्होंने काफ़ी जमीन मिली सी उत्थे जो वापस मुड़े ने, तो ये अंबाले के कोल आके रहे थे, चंडीगढ़ के कोल एक शहर है अंबाला, तो उत्थे उन्होंने जमीन अलॉट हुई थी। वो अज भी एक्चुअली उत्थे 2-4 एकड़ हाले भी जमीन हैगी है, हूँ फैमिली बड़ी वड्डी होगी एक्सपैंड होगी, बट थोड़ी जी जमीन हाले भी उत्थे पई है। लेकिन 22 मुरबे कितने और चंद एकड़ कितने? वो तो फिर सारे अलोंग द वे वेचते गए, बिजनेस जाते गए डिफरेंट थावां ते, तो हूँ 2-4 एकड़ रह गए ने उत्थे। ओके, सानू स्कूल का पूरा नाम दसो जो पुरातन स्कूल का नाम सी। हाँ जी, मैं ना वो देख रहा सीगा कि वो स्कूल का जो पूरा नाँ सेगा ना BRK हाई स्कूल सेगा, मेरे को एक्चुअली उन्होंने 1937 का ये सर्टिफिकेट हैगा जिहड़ा उन्हां दा मैट्रिकुलेशन दा सर्टिफिकेट सीगा, ते उहदे च यू नो इट मैनशन करदा है भी डेट ऑफ बर्थ उन्हां दा 1920 दा सीगा, ते जिहड़ा ये ओरिजिनल इहदा नाम सी भाई राम कृष्ण गुरमत हाई स्कूल शाहपुर सिटी डिस्ट्रिक्ट सरगोधा, BRK हाई स्कूल। ओके, फिर संगतो तुहानू अज फिर दिखाउने आ जी गुरमत स्कूल जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਸਟੋਨ ਲੇਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਉਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ, 74 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪ ਦੀ ਅਸਲ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ? ਅਸਲ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਭੀ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਮਾਹ। ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਸ ਤੇ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਰ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਹਿ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗਹਿ ਬੈਗਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਜਨਾਬ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਔਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਾਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਲਮ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬੋਲ, ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਖੋਲ, ਇੱਕ ਰੋਈ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ ਦਰਦ ਬਦਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰੀ ਚਲਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਆਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਤਵਾਨਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ,
इंग्लिश ही जी पढ़ लेंगे सन। और अज उस नाना दा दोता आया और उस ने दे चेहरे से जड़ी चमक आई, जड़ी खुशी आई, बड़ी काबिले दीद आई। और जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इधर तशरीफ ले आए हो। और ऐंदा भी असी तवक्को रखांगे कि जदों भी तुहानू टाइम मिले, इस वक्त असी समझदे हां कि अमेरिका जैसे मुल्क दे विच तुसी रहिंदे हो और बड़ी टफ और बहुत मसरूफीयत वाली लाइफ है, लेकिन उसके बावजूद उस नाना जी की मोहब्बत ही तुसी इत्थे आए हो, असी तुहानू धन्यवाद और खुश आमदेद कर बहुत शुक्रिया। हाँ जी जी, फिर वही गल आ जाती है कि अपने घर परदेसियां वांगू परतण का एहसास क्यों है। मैं 47 मगरों जमया, मेरे पिंडे लाश क्यों है। 47 की वंड की पीड़ता जिहड़ा बंदा पंजाब और पंजाब की धरती दे नाल प्यार करता सीना चीर दिंदी है। अगर तुसी लाहौरीए फिल्म देखो उहदे विच भी जदों बाबा जी लाहौर तो अमृतसर पहुँचते ने अपना पिंड देखने लई तां रूह हिल जाती है। पर भाई साहब बहुत सबर वाले ने, मेरे नाल जिन्ने भी सरदार अज तक आए ने, मैं उन्हां दे इमोशंस देख के ना कंट्रोल मैं खुद नहीं कर सकता। बट आओ चलते हाँ, तुहानू असीं स्कूल दे दर्शन कराने हाँ और किन्ने किन्ने केड़ी केड़ी सेवा करवाई अज तुहानू पहले उह दिखाउंदे। हाँ जी जी, आ बोर्ड पुराना लगे, ये उपर साइडा ते दो खंडे लगे ने जी, इस सिख धर्म के निशान चिन्ह ने। ते इतों एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खेत पछाणे बीजे दान, से छत्री दरगए परवान। शब्द ने भी तुसी जो बीजदे हो चंगे मन दे नाल, ओ फिर दरगाह विच प्रवान होंदा, ओके रब दी बारगाह दे विच, रब दी दरगाह। भाई राम कृष्ण गुरमत हाई स्कूल दे वास्ते 14 विघे जमीन, विघे किन्नी होंदे पता नहीं, 14 विघे ठीक है, 14 विघे जमीन दी हक मालकीना भगत राम नारायण कुबार सपुत्र भाई राम कृष्ण जी ने भेटा कीती, अते हक मरूसत राय बहादुर डॉक्टर चरण सिंह जी दी सुपत्नी श्रीमती तुलसा देवी श्रीमती पिरामा बाई जी ने भेट कीता। सम्मत यह हैगा जी 842 सन 1920 1920 सो 102 साल पुराना स्कूल ठीक हो गया जी। ते अगे भी कुछ होर तख्तियां लगिया हुई ने जी, असी तुहानू पढ़ के सुनाने आ। ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਹਾਂਜੀ ਅਗੇਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਏ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ 4 ਮਾਸ ਗੁਰਸੰਮਤ 840 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਦੈਨ ਥੱਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਲੇਡ ਬਾਏ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹੰਤ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ October 4, 1919। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਬੈਕੁੰਠ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ 924 ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਸੰਮਤ ਹੋਈ 843। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੇ ਬੀਜੇ ਦਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ
400 रुपए स्कूल की सेवा की श्रीमान श्री परमेश्वर जी दे निवाजे कीर्तन दे रसीए सेठ साहब बाबू मोहराल मल जी ने सम्मत नानक शाही ओके जी एक गल साबित होंगी है कि यानी कि चंगा कारज करके तुसी रब दे नाम ते भेंट कर दवो और उहदा फल जिहड़ा तुहानूं रब दी बरगाह दे विच मिलना अगे मिलेगा इहदा इही शब्द दे मतलब जिहड़े ने इही ने बहुत वधिया लिखिया होया देखो अज सानूं इह नहीं पता बच्चो ये सब तो पहले देखना है जिथे तुहानूं इह वर्ड नजर आउंदा है लिखिया होया इहदा मतलब है कि अल्लाह एक है एक एक ठीक है इहदी बहुत अदब वाली चीज है एक ओंकार एक अल्लाह एक अल्लाह है फिर उस तो बाद अगली गल तुक जड़ी है अपना ये ना वैसे खेत पछाने बीजे दान के ओ धरती नू लभना जड़ी उपजाऊ होए ते फिर उत्थे तुसी कुछ लाओ ता ओ उगूगा जिवें स्कूल है ना स्कूल दे वास्ते उन्होंने पैसे दिते भी स्कूल दे किन्ने बच्चे पढ़नगे हर साल ए देखो ना अज किन्ने बच्चे पढ़ रहे ने ये बच्चे 102 साल बाद भी पढ़ रहे ने विच आओ अगले चल रहे हैं जी महल ताक वो मिलियो उस साध कृपाल ए अगेन जोड़वी पंजाबी लिखी है 2700 रुपए की जी डोनेशन दिती बाय एल ठाकुर दास कुमार इन द मेमोरी ऑफ हिज डियर फादर लेट एल राम नारायण हु एक्सपायर्ड ऑन फर्स्ट फगन 1991 सो ये बात दी 1991 गुर प्यारे डॉक्टर हरबैल सिंह जी सपुत्र भाई सुंदर सिंह जी बत्रे ने 400 दसवंध विचों स्कूल दे फर्शां लई सेवा कीती सन 1929 दे विच तो फ्लोर वास्ते उन्होंने उस तो भी पुरानी है बद्रे सिंह ना एक बहुत बड़ा जागीरदार आई थे जेड़ा पार्टीशन तो बाद विच रहया जिन्हां दी बहुत बड़ी मशहूर बद्रे बुटीक है ये पढ़ना औखा है जी बड़ा ये ना जी इथे लिखया जी एकमकार सतगुरु प्रसाद सेवक को सेवा बनी आई वे जिन्नू रब आप सेवा बख्शदा वो बंदा सेवा करदा फिर अगे गुरु प्यारे भाई राम नारायण जी ने भाई विष्णदास जी तब्बा भगत देवी दयाल जी ते बाबू गोविंद राम जी ने इस कमरे की सेवा की सम्मत 842 सो उन्होंने एक कमरा उन्होंने बनवाया सी जी जिन्होंने डोनेशन की थी हाँ जी जी हुण तुसी देखो ये क्लास के हुण बच्चे बैठे हुए ने और उही क्लासेस ने सिर्फ जालियां जूलियां ला दित्तियां गईयां बाकी बारियां छत गार्डर तुसी देखो उस दौर दे ने मे भी तुहाडे तो अलावा होर बहुत ज़्यादा सारे लोग ऐसे होण जिन्हां दे वड्डे जिहड़े ने शाहपुर हाई स्कूल तो मैट्रिकुलेशन करके गए होण भाई राम कृष्ण गुरमत हाई स्कूल दे अंदरों जिहड़ा कि असल नाम सी प्री पार्टीशन दा और 102 साल पुराना है स्कूल है जी तो बहुत वधिया लग रहा है कि अपनी अच्छी हालत दे विच और स्कूल दी कमेटी और स्कूल जिहड़ा है उन्हां दा भी बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इन्हां ने असल चीज़ जिहड़ी है वो कोई भी तुसी देखो एक ओमकार तो लैके तुहानू हर सेवा करवाई जिहड़ी है स्कूल दी वो पूरी उस तरह इरेक्टेड है उहदे विच हले तक कोई भी तुहानू जिहड़ी है चेंज नहीं नज़र आएगी।